आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शराब दुकान की अनुमति निरस्त करने के लिए नागरिकों ने दिया ज्ञापन, दुकान नहीं हटने पर करेंगे आंदोलन। सनावत नगर के वार्ड नंबर 16 के निवासियों ने सिंचाई विभाग के कॉलोनी के सामने खोली गई नई शराब दुकान को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं नागरिकों ने आबकारी विभाग और पुलिस थाने में ज्ञापन देकर शराब दुकान बंद किए जाने की मांग की। नागरिकों ने बताया कि सिंचाई विभाग कॉलोनी के सामने एक निजी मकान में शराब दुकान खोलने की जानकारी पिछले दिनों प्राप्त हुई। विदित हो उक्त क्षेत्र रहवासी इलाका है। दुकान एक खतरनाक अंधे मोड़ पर है, यहाँ हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। दुकान के सामने मंदिर है, यहाँ से 50 मीटर दूर पॉलिटेक्निकल कॉलेज और छात्राओं का हॉस्टल संचालित होता है। साथ ही ऑफिस, आंगनवाड़ी सहित अन्य कार्यालय भी इसी मार्ग पर है। उक्त दुकान के पास से छात्राएं महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। वहीं शराब दुकान खुलने के बाद वहां पर शराब लेने वाले लोग और असामाजिक तत्व महिला और छात्राओं के साथ गलत हरकत कर सकते हैं, इसलिए सभी नागरिकों ने आबकारी विभाग के ऑफिस में पहुंचकर वहां मौजूद विभाग के हेड कांस्टेबल धन सिंह को ज्ञापन देकर उक्त शराब दुकान को बंद करने की मांग की। नागरिकों ने बताया कि अगर 3 दिवस में उक्त दुकान को बंद नहीं किया जाएगा तो स्थानीय नागरिकों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं स्थानीय नागरिकों ने ज्ञापन के प्रति प्रभारी मंत्री, सांसद, कलेक्टर, SDM और अन्य विभागों में देते हुए इस दुकान को बंद किए जाने की मांग की। इस दौरान सुखविंदर नरूला, नितिन नरूला, सुखलाल डाबर, पीयूष मंडलोई, पृथ्वीपाल सिंह, मनीष चतुर्वेदी, रवि देसाई, चेतन सेन, स्वप्निल यादव, सोनू सावले, विजय वर्मा, भगवती बाई सहित भाजपा संजय राठौड़, नरेंद्र राठौड़ सहित अन्य भाजपा नेता जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। बंद करवाना है, एक्सीडेंटल स्पॉट है, सामने मंदिर है, 20 मीटर की दूरी पर रहवासी एरिया है, असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे समस्याएं पैदा करेंगे। कहाँ पर खुली है दुकान? ये एजुकेशन के सामने, आज नगर के सामने। आज आप क्या करा आकर यहाँ? यहाँ ज्ञापन देने आए थे आबकारी विभाग में, इसको बंद कराया जाए।